अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज सबसे पहले मैं आपको दूंगी इन्फॉर्मेशन स्कूल के बारे में, और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको और देनी है जिसके बारे में मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने ये सुना है कि जो जर्मनी का स्पारकासे बैंक है वो 2 दिन उसकी स्ट्राइक रहेगी, मतलब 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। तो वहाँ पे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर सकते, पैसे डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैंने सुना है लेकिन मुझे 100% श्योर नहीं है, अब दोबारा मैं आपसे फिर कह रही हूँ। और ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये है स्कूल का, इसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी यहाँ पे सीन ये है कि हम लोग जा रहे थे बच्चों को लेकर पार्क में, वाटर पार्क में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत पार्क है यहाँ जर्मनी में। और अभी तो रास्ते में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है ना, जगह जगह इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं, काम हो रहा होता है और इतनी मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग इस तरह की जगहों पे कि बस। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए मुश्किल तो होती है, लेकिन उसके बाद सड़कें जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन रहती हैं, कोई भी ख़राब नहीं होती है, साथ साथ ये लोग ठीक करते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एयरलैंड, बहुत खूबसूरत जगह है, पानी की स्लाइड ज़्यादातर यहाँ पर हैं और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। हाँ, यहाँ पे जाने का मज़ा सिर्फ उसी दिन है जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है पानी बहुत ठंडा होता है और ठंडे पानी में तो बच्चे पानी में जा नहीं सकते। चलिए साथ साथ अपने टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं स्कूल को लेके। तो स्कूल का एडमिशन जर्मनी में बच्चों का कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए हमें परेशान होना नहीं पड़ता। अब जैसे हाजिक की उम्र हो गई है 5 साल, हाजिक 5 साल का हुआ था मार्च में, तो अब जो नया साल शुरू हुआ है तो साथ ही इसका स्कूल से लेटर आ गया एडमिशन करवाने का। मतलब 1 साल तकरीबन इनके एडमिशन के कुछ का जो प्रोसीजर होता है ना वो इसमें लग जाता है, क्योंकि पहले आपको एक लेटर आता है उसके अंदर आपने ये लिखना होता है कि आपने किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो 2 ऑप्शन होती हैं, एक जहाँ पर आप चाहते हैं और एक ऑप्शनली भी आपको देना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ का एक ऑफिस है गुजरेंट हाइट, वहाँ से एक लेटर आता है जो बच्चे का पूरा चेकअप करते हैं, उसके कानों का, आँख नाक का, चलना, उसका आईक्यू लेवल, हर चीज़ वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। हाँ, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैक्सीनेशन कार्ड, बच्चे की वैक्सीनेशन कार्ड। किंडरगार्टन में जब एडमिशन होता है तब स्कूल में जब जाते हैं, बच्चे ने किसी जगह जाना होता है मतलब ट्रिप पे, तो हर जगह वहाँ पे आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड की जो वैक्सीनेशन है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जर्मनी में। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल के बारे में। अब जैसे जैसे हार्दिक का स्कूल के एडमिशन का सिलसिला आगे चलता चला जाएगा मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी। यहाँ पर हम एयरलैंड में आ चुके थे और आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने ट्रॉली ली थी, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है और सामान उठा के साथ साथ चलना बहुत मुश्किल काम है। 3 यूरो लगते हैं ट्रॉली के, लेकिन 20 यूरो हमें देनी पड़ती है सिक्योरिटी उसकी। और जब हम लोग को वापस जाने लगते हैं तो ट्रॉली का जो स्टैंड होता है वो वापस करके इनसे अपने 20 यूरो वापस ले लेते हैं। अब ये देखें, इस जगह पे ना एयरलैंड के मुख्तलिफ पोर्शंस बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब ईस्ट वेस्ट इस तरह करके उन्होंने नाम रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो पानी की जगहें इन लोगों ने बनाई हुई हैं बच्चों की इन्जॉयमेंट के लिए। देखें, ये सारा इंडोर था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्स थी, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगा हुआ था और ये LED लाइट्स लगी हुई थी। वहाँ से बाहर निकल के जो अब हम आए थे, बच्चे थोड़े से गीले काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो धूप में थोड़ी देर के लिए ये लोग बैठे हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने छोटा सा एक एनिमल्स के लिए भी जगह बनाई हुई थी, वहाँ पर ये बच्चे खाना इनको खिला सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक बच्चे पानी के अंदर थे तब तक ठीक था, लेकिन जब किसी खुश्क जगह पर आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। इस जगह हम लोग 2 साल पहले आए थे जब कोरोना नहीं था, फिर दरमियान में तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो पब्लिक प्लेस हैं वो बंद हुए हुए थे, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। बाकायदा यहाँ पे बारबेक्यू के हट्स भी बने हुए हैं, अगर आप, लेकिन आपको उसके अलग से आपको रिजर्व करवानी पड़ती है वो जो हट बने हुए हैं, और फिर वहाँ पर आप अपना सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जर्मनी में बहुत सारे जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे बारबेक्यू के हट्स बने हुए होते हैं, या कुछ उन्होंने स्पेशल प्लेस रखी हुई होती है बारबेक्यू के लिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जस्ट उसी प्लेस के अंदर ही बारबेक्यू करना है, इसके अलावा आप किसी दूसरी जगह पे बारबेक्यू नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो भाई बहुत भारी किस्म का जुर्माना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वाटर स्लाइड थी, बच्चे यहाँ पर आके बहुत इंजॉय कर रहे थे वाटर स्लाइड के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा जो मेरा पानी का कीड़ा है इसने नहीं गया, ये वाटर स्लाइड के ऊपर नहीं बैठा, वैसे ये सारे करतब करता रहा यहाँ जाके।
इसे बहुत शौक़ है स्विमिंग करने का, और मेरा इरादा है कि हाजी का जो यहाँ पे स्विमिंग कोर्स है, नूर और अब्दुल रहमान को तो मैंने एडमिशन करवाया था, और इन दोनों को स्विमिंग आती है। बस हाजी कभी इसका नहीं मैं करवा सकी, लेकिन मेरा प्लान बना हुआ है कि इसको भी इंशाल्लाह जल्द मैं स्विमिंग की ये जो क्लासेस है ना वो मैं ज्वाइन करवा दूँगी। अच्छा, इस पार्क का सबसे खूबसूरत पोर्शन जो मुझे लगता है ना वो ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी रेत नहीं है, और बाकी जितनी भी जगह हम लोग गए हैं फ्लाइट लेने के लिए भी वहाँ पे बेतहाशा मिट्टी है, और इतना वो उलझन होती है देख के मिट्टी को, मिट्टी भी नहीं होती रेत होती है। अच्छा, ये वाला जो एरोप्लेन है ना ये भी स्लाइड है, इसके अंदर जाओ और स्लाइड लेके आओ, लेकिन यहाँ पे ये पानी वाली स्लाइड नहीं थी, बच्चे घबरा गए थे जब ये एरोप्लेन के ऊपर गए थे, क्योंकि जो टिन होती है ना उस मटेरियल का ये एरोप्लेन बना हुआ है, और जितनी शदीद गर्मी थी ना तो वो बहुत मुश्किल था ये बच्चों का ऊपर जाना और फिर स्लाइड लेना। यहाँ पे ना ये देखें जो ब्लू कलर के कंटेनर है ना, ये पहले पानी से भरते हैं और फिर ये जो नीचे खड़े हुए होते हैं ना लोग उनके ऊपर आते हैं, और पानी का प्रेशर इतना तेज़ होता है कि लोग सही तरह से इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे मेरे बेटे को छोटा सा फ्रेंड मिल गया था, ये उसके साथ खेल रहा था। मैंने फिर इसकी जो मदर हैं उनसे कहा था कि मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप वीडियो बना लो। फिर वो खुद उठ के चली गई थी, और उनके बेटे की और हाजी की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि यहाँ पे बग़ैर परमिशन के किसी की भी वीडियो बनाना जो है वो गैर इखलाकी हरकत है और गैर कानूनी भी है। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे किसी की वीडियो बनानी है तो आपको बकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप वीडियो बना सकते हैं। एक पूरा दिन हम लोगों ने यहाँ पे गुजारा था, और बहुत मज़ा आया था। खाने पीने की कुछ चीज़ें हम लोग साथ लेकर आए हुए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह, तो बच्चों ने वो साथ साथ खाते रहे थे, और कुछ फ्रूट लेकर आए हुए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो उसमें से मैंने कट कर दी थी, ताकि इसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो आप लोग देखते हुए बोर हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वीडियो देखते हुए बोर हों। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना ये आबशार भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसका आसपास का देखें व्यू कितना खूबसूरत है। ये थी अब हमारी वापसी की तैयारी। यहाँ पर बस हम लोगों ने ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि स्टॉप, इसका मतलब है ये हमें याद करवा रहे हैं कि जो हमारा सामान लिया है भाई हमारी ट्रॉली को वापस करो और अपने पैसे वापस ले जाओ। अच्छा, इन लोगों ने पता क्या किया है, जो इसका टाइमिंग है ना क्लोज़ होने का वो है 6 बजे, लेकिन ये जो ट्रॉली वापस करने का टाइम है वो 5 बजे है। अगर आप 5 बजे के बाद जाओगे तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका जो ऑफिस है वो बंद हो चुका होगा। तो लिहाजा आपने 1 घंटा पहले आपने जो ट्रॉली ली हुई है उसका स्टैंड लाजमी वापस करना है। यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे बाहर, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। कंजूसी मत दिखाइएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।